अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किस चीज के बारे में, वो तो आपको देख के थंबनेल में पता चल ही गया होगा। लेकिन एक बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया फ्रेंड्स, मुझे यकीन नहीं था कि मेरी एक वीडियो इतना ज्यादा ट्रेंड कर जाएगी, बट आपने वो पॉसिबल कर दिखाया। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू, और होप करता हूँ कि आप ऐसे ही मुझे आगे सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है फ्रेंड्स, वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या कुछ है। बट आपने जो मुझे सपोर्ट दिया, आपने जो मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ उसमें नहीं समझ में आया या फिर आपको वीडियो कैसा लगा वो बताने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और फ्रेंड्स की हमारी यूट्यूब फैमिली अब मोर देन 1500 क्रॉस कर चुकी है, तो ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बाइक के इंट्रो से। तो द फुल नेम ऑफ दिस बाइक वाज हिल्डब्रांड एंड वुल्फ म्यूलर, और ये नाम फ्रेंड्स बेसिकली तीन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर करा था। तो जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे हेनरिच हिल्डब्रांड, और साथ ही में उनके भाई थे विलहेम हिल्डब्रांड, और एक तीसरे साइंटिस्ट जो थे फ्रेंड्स वो थे एलॉयस वुल्फ म्यूलर। ये तीनों जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, तो बेसिकली इन्हीं के टाइटल नेम पे इस बाइक का नाम रखा गया था हिल्डब्रांड, जो कि हेनरिच और विलहेम का टाइटल नेम था, और वुल्फ म्यूलर जो कि एलॉयस का टाइटल नेम था। फ्रेंड्स इस बाइक का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था 1894 में, और जो कि कंप्लीट हुआ 1897 में जाकर। फ्रेंड्स बात करते हैं अब इसके इंजन की, तो इसका इंजन जो था वो टू सिलेंड्रिकल शेप में था, एक 1489 सीसी का जो कि फोर स्ट्रोक का इंजन था। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस बाइक के पावर की, तो इसका इंजन था जो फ्रेंड्स वो पावर सप्लाई करता था 2.5 bhp पे, मीन्स ये 1.9 किलोवाट पे पावर सप्लाई करता था। फ्रेंड्स अगर इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात करें तो ये बाइक डायरेक्ट ड्राइव ट्रांसमिशन को यूज़ करता था। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक्स की, तो इसमें जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था वो था स्पून ब्रेक का, मीन्स ये ब्रेक जो था फ्रेंड्स वो फ्रंट टायर के अगेंस्ट में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता था जिससे कि वो बाइक स्टॉप होती थी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस बाइक की टायर्स की, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो थी न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी। और अगर साइज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो फ्रंट टायर था इसका वो 26 इंचेस का था, मीन्स 66 सेंटीमीटर का था, और अगर रियर टायर की बात करें तो ये 22 इंचेस का था, जो मीन्स ये 56 सेंटीमीटर का था। अगर बात करते हैं यहाँ पे बाइक के टोटल वेट की, तो फ्रेंड्स इस बाइक का टोटल वेट जो था वो ओनली 50 केजीस था, मीन्स अभी जो भी बाइक आते हैं वो अप्रोक्स में रहते हैं एबव 100 केजी, बट ये 50 केजी का था, मीन्स समझ सकते हैं कि आप इसमें कितना कम से कम मटेरियल्स को यूज़ किया गया था। और फाइनली बात करते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में फ्रेंड्स, तो आप सभी जानता हूँ मैं कि इसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रहे होंगे, तो चलिए आपकी उत्सुकता दूर करते हैं और बता देते हैं कि द टॉप स्पीड ऑफ दिस बाइक वाज 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था फ्रेंड्स। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो काइंडली प्लीज़ इस एक लाइक कर दें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और नीचे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये जानने की इच्छा हो रही है कि दुनिया की जो पहली बाइक थी वो अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ बिल्कुल, ये बाइक अभी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे जर्मनी के म्यूज़ियम में देख सकते हैं और साथ ही में लंदन के म्यूज़ियम में देख सकते हैं। तो उस म्यूज़ियम का नाम फ्रेंड्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, तो आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।